नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। राम जन्मभूमि विवाद पर गठित 5 जजों की बेंच में जस्टिस ललित अलग हो गए हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया। जस्टिस ललित अयोध्या केस में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया है कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों से बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉल्स करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक को 14 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 32वीं बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी फैसले से सबसे बड़ी राहत छोटे कारोबारियों को मिली है। 40 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर पर अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इस फैसले से 20 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य सरकार ने Z+ सुरक्षा दे दी है। इसके तहत उन्हें न सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, बल्कि उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। दरअसल पिछले साल नवंबर में कांग्रेस ने सिद्धू की जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। गुरुवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।